दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह अते माता गुजरी जी की लासानी शहादत नूं समर्पित शहीदी सभा 26 दसंबर तो श्री फतेहगढ़ साहब की धरती से हो जा रही है, जिस दौरान लखां की गिणती च संगतां उन्हां महान शहीदां नूं सिजदा करन अते फुल भेंट करन श्री फतेहगढ़ साहब की इतिहासिक धरती से पहुँचनियां शुरू भी हो चुकियां ने। दसिए कि हर साल सभा दौरान श्री फतेहगढ़ साहब विखे महान शहीदों नूं शरदा दे फुल भेंट करन लई देश विदेश तों लखां दी गिणती च संगतां पुजदियां ने। इस बार अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 25 तों 30 लाख के करीब संगतां पहुँचने की उम्मीद है। इन्नी वड्डी गिणती च संगतां लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे प्रबंध मुकम्मल कर ले गए हैं। इस बाबत जानकारी दिंदिया SGPC मीत प्रधान अवतार सिंह रिया उन्हां दा की कहना है, आओ सुनते हैं। हरेक साल की तरह इस बार 26, 27, 28 जिहड़ा शहीदी जोड़ मेला लाया जा रहा है और संगतां दे विच बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह ते धन धन माता गुजर कौर जी नूं सादा सत्कार भेंट करन लई बड़ी वड्डी गिणती दे विच तकरीबन एक हफ्ता पहला संगतां आउणा शुरू हो गई और इस बार संगतां दा इन्ना रश है दूर दराडे लखां की गिणती दे विच लोग संगतां जिहड़े नतमस्तक हो रही ने और असी बड़े समुचे जिहड़े प्रबंध ने उह कीते हुए ने, जिस तरीके नाल संगतां दा रहिश दा प्रबंध जिवें गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी के होस्टल ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर और टेक्निकल कॉलेज के होस्टल, माता गुजरी कॉलेज के होस्टल के समुचियां जिहड़ियां तीन सरावां ने उहदे विच जिहड़े संगतां दे रहिण दे प्रबंध किए गए हैं और 26 तरीक नूं जिहड़ा खंड पाठ साहब ज्योति स्वरूप साहब विखे आरंभ किया जाऊगा और 28 तरीक नूं उहदे सवेरे 6 बजे भोग पाए जाएंगे क्योंकि 26 तरीक नूं 7 बजे आरंभ होणगे खंड पाठ साहब और उहदे विच 26, 27, 28 नूं रात नूं जिहड़े दरबार कीर्तन दरबार ढाडी दरबार लगणगे जिहड़े टुंडरमल हाल दे विच ते एक पार्किंग है जिथे कॉन्फ्रेंस होंगी उ भी रात लई दे जिहड़े दीवान ने उह सजाए जाणगे। समुचे ढाडी सिंह कथावाचक ते कविशर इहदे विच हिस्सा लैणगे और समुचियां साध संगतां नूं बेनती करदा कि आओ आपां बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी नूं सरदा दे सतकार भेट करिए और आराम दे नाल धक्का मुक्की तों बिना जिहड़ा आपां इह दिन ने बहुत सादे ने। लंगर वालियां नूं भी मैं बेनती करदा कि बिल्कुल सादे तरीके दे लंगर बनाओ ता कि आपां इत्थे सिर्फ उन्हां शहीदां नूं सरदा दे सतकार भेट करन आए हैं जिन्हां ने ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 26, 27, 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਰੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਲਟਸ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨ ਆਉਣਾ ਸਿੱਟੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਨੇ
जिन्नी संगत आऊगी सब ने पुख्ता इंतजाम ने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस बाबत जिला पुलिस मुखी डॉक्टर रवजोत कौर गरेवाल ने दसिया कि शहीदी सभा के प्रबंधा संबंधी गलबात करदिया श्रद्धालुओं की सहूलत नू मुख रखदिया रिपीट। इस संबंधी जिला पुलिस मुखी डॉक्टर रवजीत कौर गरेवाल ने दसिया कि शहीदी सभा के प्रबंधा संबंधी श्रद्धालुओं की सहूलतों नू मुख रखदिया आवाजाई के बदलवें प्रबंध किए गए हैं ताजो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू ढंग चलाया जा सके। होर की कुछ कहना है इस बारे रवजोत कौर गरेवाल उन्हों का, आओ सुनते हैं। शहीदी सभा 2022 जो कि 26-28 दिसंबर को फतेहगढ़ साहब विखे मनाई जा रही है नूं लैके फतेहगढ़ साहब पुलिस ने वख वख प्रबंध किए ने जी। साढ़े कोल तकरीबन जिहड़ी डिप्लॉयमेंट हैगी असी वो 3000 पुलिस परसनल की डिप्लॉयमेंट की है। ये नाल नाल असी वख वख ऑर्गनाइजेशन तो जिहड़े वॉलंटियर्स ने उन्होंने भी पुलिस प्रबंधा दे विच उन्होंने भी असी इनवॉल्व किया है। मैं थोड़े सारियां नूं मीडिया राही जिहड़ी संगत फतेहगढ़ साहब आ रही है उन्हां नूं ये बेनती करना चाहूँगी कि थोड़ी सुरक्षा लई ते थोड़ी सहूलत लई फतेहगढ़ साहब पुलिस वालों बहुत पुख्ता प्रबंध किए गए ने। असी तकरीबन 22 थावां ते जिहड़े ने जिहड़ी नाकाबंदी की है उस तो इलावा 12 साढ़े चेक बैरीयरस ने 21 साढ़ियां पार्किंग्स ने ते इस बारी असी पिछले साल तो ज़्यादा पार्किंग का प्रबंध किया है ता जो जिहड़ियां संगतां दियां गड्डियां शहर दे विच आउंदियां ने वो मैक्सीमम नेड़े तो नेड़े गुरुद्वारा साहब दे आ सकन। एक जिहड़ा असी नवा इनिशिएटिव इस बारी लिता है जी वो समाधान केंद्र दा है। तुसी देख सकते हो कि एक फ्रंट डैस्क है पुलिस का जिहदे विच कंट्रोल रूम नू ऑडियो कॉल वीडियो कॉल का असी प्रबंध किया है। कोई जे किसी का कोई लॉस्ट अकाउंट किसी संगत की कोई चीज़ गुम जाती है कोई फैमिली मैंबर जुदा हो जाता है या रश दे विच नहीं पता लगता तो वो इस समाधान केंद्र दे विच आके कंट्रोल रूम नू जिहड़ा नोट करा सकते हैं। इहदे उत्ते स्क्रीन लगे हुए ने ते जिहड़ी चीज़ नू फ्लैश करना चाहते हैं भी साडी इह चीज़ गुमी है या साडा इह फैमिली मैंबर नहीं मिल रहा वो चीज़ उत्थे डिस्प्ले हो सकती है। इस तो इलावा जी शटल सर्विसिज का प्रबंध किया गया है जिहड़ियां सब तो वड्डियां पार्किंग्स ने मंडी दे विच शहर की एक बहुत वड्डी पार्किंग है गुरु ग्रंथ साहब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दे विच एक बहुत वड्डी पार्किंग है। इन्हां पार्किंग्स तो लैके गुरुद्वारा साहब तक बसां राहीं ई रिक्शाज राहीं संगत नूं ट्रांसपोर्ट करन दा प्रबंध किया गया है ते मेरी सारी संगतां नूं इही अपील है भी जिहड़ी शटल सर्विस है इहदा वध तो वध यूज़ करन। इस तो इलावा पुलिस वल्लों वख वख थावां ते CCTV कैमराज लाए गए ने चैक पोस्ट बनाई गई ने। एक जिहड़ा नवा इनिशिएटिव इस बारी लिता जा रहा है वह है कि असी ड्रोन कैमराज राही ट्रैफिक की जिहड़ी स्थिति है शहर की उन्हों मोनीटर करांगे। पूरे शहर नू एक वन वे ट्रैफिक दे सर्किट दे विच कन्वर्ट किया गया है जिहड़ा सिंहपुरा चौक है ते जिहड़ा मंडी रोड है नैशनल हाईवे तो जिहड़ी दो सड़कां मेन आ रही ने इन्हां नू एंट्री वजो यूज़ किया जाएगा शहर लई ते जिहड़ा चावला चौक है जिहनू आपां कहिंदे जिहड़ा 4 नंबर चुंगी तो बाहर जांदा है वह शहर तो बाहर जाण लई एग्जिट लई यूज़ किया जाएगा। इहदे नाल जिहड़ा साडा ट्रैफिक दा एक सर्किट बना रहेगा। पिछले सालां च फीडबैक आया सीगा कि आन जाण वाली गड्डियां आपस फस जांदियां सी ते काफ़ी लंबा जाम लग जांदा सी। इन्हां गल्लां जिहड़ी पुरानी मीडिया वल्लों भी जिहड़ा सानूं फीडबैक मिलिया जिहड़ियां पहलां संगतां नूं कोई प्रॉब्लम आई सी वो सारे फीडबैक नूं ध्यान विच रखदे होए इस साल दे प्रबंध किए गए। कोई टोल फ्री नंबर या कोई नंबर भी जारी किया हेल्पलाइन पुलिस की सहायता लई जी? दीपक जी आम तौर पर यह होंगे कि जिहड़ा नंबर होंगे वो क्योंकि इत्थे संगतां इन्नियां आ जांदियां ने जाम हो जांदा है फोन चलते नहीं थोड़ा सारियां दा ही फीडबैक सीगा कि साढ़े फोन नहीं चलते सीगे इसे गल करके समाधान केंद्र बनाए गए ने। समाधान केंद्र ने जिहड़े कंट्रोल रूम राही हाई स्पीड इंटरनेट नाल कनैक्टेड ने ते उहनां दे लई इंटरनेट का वख प्रबंध किया गया है। 5 मेन समाधान केंद्र ने मेन पॉइंट्स ते अवेलेबल ने जे थोड़ा फोन नहीं लग रहा तो तुसी समाधान केंद्र बिकॉज वो सारी प्रोमिनेंट थावां ते समाधान केंद्र हैगे ने तुसी उत्थे आके कंट्रोल रूम नू ऑडियो अते वीडियो कॉल दोनों कर सकते हो। ठीक है जी। हर साल उन्हां महान शहीदां नू सिजदा करन दे लई देश विदेशां तों सिख कौम दे नाल जुड़िया होया हर एक धर्म दे नाल जुड़िया होया व्यक्ति विशेष व्यक्ति इत्थे नतमस्तक होण पहुँचदा है ते ना शहीदी हफ्ते दे विच शहीदी सभा दे दौरान उन्हां महान शहीदां नू याद करदा है उन्हां दी लासानी शहादत नू सिजदा करदा है। इस संबंधी SGPC सरकार अते प्रशासन दे वल्लों भी हुण पुख्ता प्रबंध उन्हां संगतां लई भी कर ले गए ने जिहड़ियां
इस मौके श्री फतेहगढ़ साहब नतमस्तक हुण पहुंचदियां ने। इस मौके ग्लोबल पंजाब टीवी अदारा भी उन्होंने महान शहीदों की लासानी शहादत को सिजदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।